हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जिसका चैप्टर नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर की फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट बनाई गई है वहाँ पर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के प्रीवियस वाले चैप्टर को अपलोड किया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 को हम पूरा कंप्लीट करेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे भी। तो अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आपको डी फॉर्म फर्स्ट ईयर की हिंदी इंग्लिश मिक्स की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपके चैप्टर नंबर 7 के यानी जितने भी टॉपिक हैं वो इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर नंबर 8 को भी हम अपलोड करेंगे, यानी जो आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उसको चैप्टर 10 तक जो है हम कंप्लीट करा देंगे और उसके बाद फिर आपका फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट उसको हम कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लगातार बने रहिए, यानी चैनल को अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए और अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाएं, उसके बाद आपको 199 में सारी PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आपका टॉपिक है ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी जो ड्रग हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर वर्क करती हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में जिन ड्रग का यूज़ किया जाता है, यानी जब हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और उसको जो ठीक करने का वर्क करती हैं, जो ड्रग उसको ठीक करती हैं, उनको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहा जाता है। तो दोस्तों, जब हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो कौन सी ड्रग का यूज़ करना है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का यूज़ किया जाता है। और इसके क्लासिफिकेशन को हमने लिखा है क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर यानी छोटा सा इंट्रो यानी डेफिनेशन और उसके बाद क्लासिफिकेशन और ड्रग के एग्जांपल को पूछा जाता है, तो इसलिए क्लासिफिकेशन में हमने लिखा है, इसमें लिखा हुआ है डायरोटिक्स, यानी डायरोटिक्स में पहली क्लास आपकी आती है यानी थियाजाइड, इसमें आता है क्लोरथियाजाइड, हाइड्रोक्लोरथियाजाइड और क्लोरथालिडोन, ये आपकी थियाजाइड क्लास की ड्रग होती हैं। और उसके बाद सेकेंड वाला क्लास है पोटेशियम स्पेयरिंग डायरोटिक्स, इसमें आपकी आती है स्पायरोनोलैक्टोन, एमिलोराइड, ये आपकी पोटेशियम स्पेयरिंग डायरोटिक्स क्लास की ड्रग होती हैं। और थर्ड वाला डायरोटिक्स के अंदर आता है लूप डायरोटिक्स, जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट ड्रग है फ्रोसीमाइड और ब्यूमेटनाइड, ये ड्रग आपकी लूप डायरोटिक्स के अंदर आती हैं। और उसके बाद सेकेंड इसका क्लास है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जिसमें आपका आता है कैप्टोप्रिल हो गया, रेमोप्रिल हो गया, तो ये आपकी ड्रग आती हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर के अंदर। और जो आपका एंटी हाइपरटेंसिव वाला क्लासिफिकेशन है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें आपको सब ड्रग याद करनी है क्योंकि ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, इसलिए हमने इसको अच्छे से डिफाइन किया है। तो दोस्तों, आपका थर्ड वाला क्लास है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें ड्रग आती है लोसार्टेन बालसार्टेन, ये ड्रग आपकी एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर के अंदर आती हैं। और फोर्थ वाला क्लास है एडिनर्जिक ड्रग, जिसमें आपका अल्फा ब्लॉकर में आती है प्राजोसिन और डोक्साजोसिन, और बीटा ब्लॉकर में आपकी ड्रग आती है एटीनोलॉल और प्रोपेनोलॉल, और उसके बाद आपका एक कंबाइंड होता है अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर, जिसमें आपकी आती है लेविटालोल और कार्बिडिलोल। दोस्तों, आपका मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर की ड्रग कौन सी होती हैं, तो आपको इन ड्रग को अच्छे से याद रखना है, लेविटालोल और कार्बिडिलोल, ये ड्रग आपकी अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर के अंदर आती हैं। और क्लास नंबर 5 है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आपकी ड्रग आती है बीरापामिल हो गई, एम्लोडिपिन हो गई और निफिडिपिन, ये आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर ड्रग आती हैं। और उसके बाद 6 वाली क्लास है आपकी वैसोडायलेटर, जिसमें आपकी ड्रग आती है हाइड्रालाजिन। तो दोस्तों, ये आपका हो गया एंटी हाइपरटेंसिव का क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा बड़ा है, अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और इस वाले क्लासिफिकेशन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है।
फिर दोस्तों बात करेंगे जो इसमें ड्रग होंगी, यानी जो आपके सिलेबस के अंदर ड्रग दी गई हैं उसमें स्टार मार्क वाली जो ड्रग दी गई हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि भाई आपकी इंपॉर्टेंट ड्रग होती हैं। अगर आपने इन ड्रग को पढ़ लिया जो स्टार मार्क वाली ड्रग हैं, तो आप अच्छे से अदर ड्रग को भी डिफाइन कर पाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम के अंदर स्टार मार्क वाली ड्रग को पूछा जाता है। अगर आपका क्वेश्चन आता है डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव विद क्लासिफिकेशन, तो दोस्तों अगर लॉन्ग में आता है तो एंटी हाइपरटेंसिव का आप डेफिनेशन देंगे, फिर क्लासिफिकेशन, फिर उसका एक बढ़िया सा एग्जांपल दे देंगे जो आपको याद होगा। तो दोस्तों इसमें हमने एग्जांपल लिखा है, टू ड्रग का एग्जांपल लिखा है। पहला ड्रग है प्रोपेनोलोल और दूसरा है कैप्टोप्रिल। तो पहले बताते हैं कैप्टोप्रिल। तो कैप्टोप्रिल देखिए, इसमें हमने एक लाइन लिखी हुई है, यह ड्रग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के रूप में वर्क करती है। जो आपकी कैप्टोप्रिल ड्रग होती है ये एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के रूप में वर्क करती है। और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया है, बहुत इजी इसका स्ट्रक्चर है, अगर आप अच्छे से बनाएंगे तो उसके बाद दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। इसमें 5 मेम्बर्ड हमने बेंजीन रिंग बनाई है और उसके साथ में हमने कुछ कंपाउंड्स को ऐड किया है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है कैप्टोप्रिल का। और उसके बाद इसके केमिकल नेम को भी आपको लिखना होता है एग्ज़ाम के अंदर। तो केमिकल नेम को लिखा है 2S1 2S2 मिथाइल 3 सल्फेनाइल प्रोपेनियोल, और उसके बाद इसमें लिखा है पायरोलिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोस्तों ये इसका होता है केमिकल नेम। इसको अगर आप बार बार लिखेंगे अपनी कॉपी पर, जब आप स्ट्रक्चर और केमिकल नेम की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको याद होगा और अच्छे से आप इसको लिख पाएंगे। और एग्ज़ाम के अंदर ब्रांड नेम भी लिखना होता है, तो ब्रांड नेम इसका लिखा हुआ है कैप्टोपेन, ये यानी कैप्टोपेन के नाम से मार्केट के अंदर बेची जाती है। और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, जो आपकी कैप्टोप्रिल ड्रग होती है ये आपकी टेबलेट की फॉर्म में आती है। और इसकी स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी क्या होती है, देखिए इसको टाइटली क्लोज कंटेनर में स्टोर करके रखना है, और इसको स्टोर करने के लिए रूम टेम्परेचर 30°C होना चाहिए। दोस्तों जो भी आप ड्रग पढ़ रहे हैं उसका अगर आप स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी अगर भूल जाते हैं, तो आपको सभी ड्रग में लिखना है कि इसको टाइट क्लोज कंटेनर में स्टोर करके रखना है, और उसके बाद इसके लिए प्रॉपर मेंटेन यानी टेम्परेचर होना चाहिए। और थेरापेटिक यूजेस क्या लिखे हुए हैं इसके, यानी जो आपकी कैप्टोप्रिल ड्रग है इसके थेरापेटिक यूज़ लिखे हैं। इसका यूज़ हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में किया जाता है, हार्ट फेल्योर में इसका यूज़ किया जाता है, और कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में, और एसी इनहिबिटर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के रूप में इसका यानी यूज़ किया जाता है ये ड्रग जो होती है कैप्टोप्रिल। और सबसे ज़्यादा इसका यूज़ आपको हाइपरटेंशन में करना है, जो ब्लड प्रेशर होता है वह हाई हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए इन ड्रग का यूज़ करना है। और हेड फेल्योर में भी इसका यूज़ किया जाता है, और जो कंजेस्टिव हेड फेल्योर होता है उसके ट्रीटमेंट में भी इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। तो ये आपकी हो गई कैप्टोप्रिल ड्रग। और दूसरा एग्जांपल है आपका प्रोपेनोलोल। तो प्रोपेनोलोल के बारे में आपको क्या पढ़ना है, प्रोपेनोलोल के बारे में पढ़ना है, देखिए ये एंटी हाइपरटेंसिव क्लास की ड्रग होती है, और ये बीटा ब्लॉकर क्लास की ड्रग होती है। अभी हमने पीछे पढ़ाया है, क्लासिफिकेशन बताया है, उसमें आपकी प्रोपेनोलोल ड्रग को हमने बताया है। तो ये आपकी बीटा ब्लॉकर यानी क्लास की ड्रग होती है, और उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव के अंदर ये ड्रग आती है। और उसके यानी जो आपका प्रोपेनोलोल है इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, देखिए दोस्तों यानी इसमें आपको 2 बेंजीन रिंग बनानी है, और उसके बाद यानी ऊपर यानी सिंगल बॉन्ड से आपको ऑक्सीजन ऐड करना है, फिर CH2 ऐड करना है, फिर CH ऐड करना है, और उसके बाद CH के साथ में आपको एक आपको OH ग्रुप ऐड कर देना है, फिर साथ में CH2 और NH और HC ऐड करने के बाद उसमें 2 मिथाइल ग्रुप ऐड कर देना है। तो दोस्तों और मिथाइल ग्रुप ऐड करने के बाद प्रोपेनोलोल हाइड्रोक्लोराइड जो होता है, इसका पूरा नाम होता है प्रोपेनोलोल हाइड्रोक्लोराइड, तो दोस्तों इसके साथ में आपको HCl भी ऐड कर देना है। तो ये आपका केमिकल स्ट्रक्चर होता है, इसको आप अच्छे से बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद इसका केमिकल नेम क्या लिखा हुआ है, देखिए 1 नेफ्थलीन, और उसके बाद 1 एलॉक्सी 3 प्रोपेन, और उसके बाद 2 आयल अमीनो प्रोपेन, जो आपका प्रोपेन 2 हाइड्रोक्लोराइड।
तो ये इसका होता है केमिकल नेम। फिर से एक बार देख लीजिए, वन नेफ्थलीन, वन एलॉक्सी लिखा हुआ है, थ्री प्रोपेन, टू आइल अमीनो, प्रोपेन टू हाइड्रोक्लोराइड, ये केमिकल नेम हो गया इसका। और उसके बाद इसके ब्रांड नेम क्या लिखे हुए हैं, इसके ब्रांड नेम लिखे हैं इंडरल लिखा हुआ है इसका ब्रांड नेम, इनोप्राइन लिखा हुआ है, और उसके बाद हिमेन गोयल जो इसका ब्रांड नेम होता है वह लिखा हुआ है, हिमेन गोयल ये आपका ब्रांड नेम होता है, जो आपका प्रोपेनॉल होता है इसके ब्रांड नेम होते हैं। तो ब्रांड नेम थोड़े से यानी अलग होते हैं, यानी कठिन होते हैं, तो इसको आप बार बार लिखेंगे, बार बार एक चार्ट बना लेंगे अच्छे से, तो अच्छे से जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन की फॉर्म में ये ड्रग आती है, टेबलेट की फॉर्म में आती है, कैप्सूल की फॉर्म में ये ड्रग आती है। और इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज में हमने लिखा हुआ है कि इसकी स्टेबिलिटी और स्टोरेज क्या होती है। देखिए, टेबलेट और कैप्सूल को यानी 15 से 30 डिग्री सेल्सियस पर एयर टाइट क्लोज कंटेनर में स्टोर करके रखना है। जो आपकी टेबलेट्स आती हैं, एंटी हाइपरटेंसिव टेबलेट आती हैं, तो दोस्तों उसको कहाँ स्टोर करना है, टाइट क्लोज कंटेनर में 15 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में इसको स्टोर करना है। और यूजेस क्या है, ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में, हार्ट डिसऑर्डर में, चेस्ट पेन में भी इसका यूज़ किया जाता है, और अगर किसी के सर में दर्द हो रहा होता है तो उसको ठीक करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। हार्ट रिदम डिसऑर्डर में यानी जो हार्ट बीट होती है वह इरेगुलर हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने में इसका यूज़ किया जाता है। हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने में यानी इसका यूज़ हार्ट अटैक को ठीक करने में नहीं किया जाता है, लेकिन उसको पहले से ही प्रिवेंट करने में इन ड्रग का यूज़ किया जाता है, जो आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती हैं। तो दोस्तों आपका जो चैप्टर नंबर 7 है, इसका पहला टॉपिक जो है वह हमने कंप्लीट किया, और उसके बाद अब टॉपिक बताते हैं इसका दूसरा वाला टॉपिक। ये आपके जितने भी टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर, तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इनके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, तो आपको ज़रूर समझ में भी आएगा और अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। तो एंटी एंजाइनल ड्रग के बारे में बात करते हैं कि एंटी एंजाइनल ड्रग क्या होती हैं। तो देखिए दोस्तों, वह ड्रग जो एंजाइना पेक्टोरिस को ठीक करने के लिए दी जाती हैं, उनको एंटी एंजाइनल ड्रग कहते हैं। तो दोस्तों, एंजाइना पेक्टोरिस हमने फार्माको थेरापेटिक डिफॉर्म सेकेंडर में पढ़ाया है, एंजाइना पेक्टोरिस उसको हमने फुल डिटेल में बताया है। जब आप डिफॉर्म सेकेंडर में पहुंचेंगे तो आपके पास एक सब्जेक्ट होगा फार्माको थेरापेटिक, उसमें आपको सभी डिजीज देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, यानी वह ड्रग जो एंजाइना पेक्टोरिस को ठीक करने में की जाती हैं, जिनका यूज़ किया जाता है, उनको एंटी एंजाइनल ड्रग कहा जाता है। और एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, एंजाइना इंक्लूड द साइन एंड सिम्टम ऑफ चेस्ट पेन। जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है, इसमें चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, द हार्ट मसल डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड। जो हमारे हार्ट की मसल होती हैं उनको यानी सफिशेंट मात्रा में यानी ब्लड नहीं मिल पाता, और जब ब्लड नहीं मिल पाएगा यानी हार्ट की मसल को, तो उसके बाद उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी। और ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिल पाता है जो हमारी हार्ट की मसल होती हैं, तो जिसके कारण हार्ट में पेन होने लगता है और बहुत तेज पेन होता है, तो दोस्तों जिसको कहा जाता है एंजाइना पेक्टोरिस। तो उसको ट्रीट करने में जिन ड्रग का यूज़ किया जाता है, उनको एंटी एंजाइनल ड्रग कहा जाता है। और इसका क्लासिफिकेशन क्या लिखा हुआ है, पहला क्लास इसका लिखा हुआ है वैसोडायलेटर, जिसमें आपकी नाइट्रेट क्लास आती है, जिसमें ड्रग आती है आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट, ये आपकी नाइट्रेट वाले क्लास की ड्रग होती हैं। और इसमें आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का भी यूज़ किया जाता है, जैसे बीरापामिल हो गई, एम्लोडिपिन हो गई, निफिडिपिन हो गई, इन ड्रग का यूज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के रूप में किया जाता है। और पोटेशियम चैनल ओपनर, जिसमें आपकी आती है निकोरेंडिल ड्रग आती है, मिनोएक्सिडिल आती है, यह आपकी आती है पोटेशियम चैनल ओपनर के अंदर। और बीटा ब्लॉकर में एटिनोलॉल हो गई, प्रोपेनोलॉल, मिटोप्रोलॉल, ये आपकी ड्रग आती हैं बीटा ब्लॉकर के अंदर। तो दोस्तों ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया, एंटी एंजाइनल ड्रग का क्लासिफिकेशन। और इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, तो इसके बारे में हम बताएंगे।
तो दोस्तों इसमें आपकी 5 मेंबर्ड यानी बेंजीन रिंग को बनाना है और ऊपर की तरफ ऑक्सीजन ग्रुप को ऐड करना है, यानी आपको स्ट्रक्चर के अंदर ही ऑक्सीजन ग्रुप को ऐड करना है और जो आपका सेकंड वाला बेंजीन रिंग है उसके अंदर भी आपको ऑक्सीजन ग्रुप को ऐड करना है और सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन और NO2 को ऐड करना है। जैसे आपने फर्स्ट वाली यानी बेंजीन रिंग में ऐड किया है उसी प्रकार से सेकंड वाली बेंजीन रिंग में भी आप ऐड करेंगे और आपका स्ट्रक्चर आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट का बन जाएगा। और इसका केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल नेम हमने लिखा है 1,4,3,6 डाई एन हाइड्रो 2,5 डाई ओ नाइट्रो डी और उसके बाद ग्लूसीटॉल, यह आपका होता है इसका केमिकल नेम। तो केमिकल नेम थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तब आपको याद होगा। और उसके बाद ब्रांड नेम सॉर्बिट्रेट के नाम से ये मार्केट के अंदर बेची जाती है तो इसका ब्रांड नेम लिखा हुआ है। और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, टेबलेट की फॉर्म में ये ड्रग बेची जाती है, यानी इसकी फॉर्म होती है टेबलेट, टेबलेट की फॉर्म में ये मार्केट के अंदर ड्रग अवेलेबल होती है। और इसके हमने स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज लिखा है, यानी इसको बेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करके रखना है, यानी सभी ड्रग के अंदर आपको यही लिखना है। और थेरापेटिक यूज़, एंटी एंजाइनल ड्रग के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, यानी एंजाइना पेक्टोरिस को ठीक करने में यानी इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद और इसमें एंटी एंजाइनल ड्रग के रूप में इसका यूज़ किया जाता है और एंजाइना पेक्टोरिस को ठीक करने में इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों पहले आपने टॉपिक देखा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होती हैं, उनका थोड़ा सा इंट्रो, क्लासिफिकेशन, जो भी उसके एग्जांपल हैं उनको आपने देखा। फिर आपने देखा एंटी एंजाइनल ड्रग क्या होती हैं, किसको ट्रीट करने में इनका यूज़ किया जाता है और इनका जो भी क्लासिफिकेशन था उसको हमने बताया और इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल था उसको हमने बताया। फिर बात करेंगे आपका चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक है यानी एंटी अरेथमिक ड्रग, इन ड्रग के बारे में बात करेंगे कि एंटी अरेथमिक ड्रग क्या होती हैं उनको बताएंगे। और दोस्तों चैप्टर नंबर 7 आपका कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट करेंगे और साथ में ही चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 को हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों चैप्टर नंबर 6 को भी हम अपलोड करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 6 आपका एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए दोस्तों जो आपके चैप्टर सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन टॉपिक को पहले हम कवर करा रहे हैं और उसके बाद जो भी आपके टॉपिक होंगे पूरा सिलेबस आपका हम कंप्लीट कराएंगे और टाइम से आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, आपकी मल्टीपल चॉइस वाली प्रिपरेशन भी कराएंगे और अच्छे से आपकी तैयारी भी कराएंगे जिससे जो है आप अपने एग्जाम में अच्छे से यानी बैठ पाएंगे। तो दोस्तों एंटी अरेथमिक ड्रग क्या होती हैं, तो सबसे पहले आप पढ़िए अरेथमिया क्या होता है। अरेथमिया एक इस प्रकार की बीमारी होती है जिसमें हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, जो यानी हमारी हार्ट बीट होती है, हमारी धड़कन होती है, ये इरेगुलर जब हो जाती है यानी इसकी कोई टाइमिंग नहीं रहती है कि कितनी बार एक मिनट में यानी ये पंप करेगी। तो दोस्तों जो हमारा हार्ट बीट होती है जब ये इरेगुलर हो जाती है, हार्ट रेट डिस्टर्ब हो जाती है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है वह इरेगुलर हो जाता है, तो दोस्तों उसको कहा जाता है अरेथमिया, यानी जब हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इरेगुलर हो जाएगा, हमारे हार्ट की हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है तो उसको कहा जाता है अरेथमिया। और एंटी अरेथमिक ड्रग क्या होती हैं, वह ड्रग जो अरेथमिया को ट्रीट करने में यूज़ की जाती हैं उनको एंटी अरेथमिक ड्रग कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारे हार्ट की हार्ट बीट को ठीक करने का वर्क करें, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ठीक करने का वर्क करती हैं उनको कहा जाता है एंटी अरेथमिक ड्रग। तो दोस्तों ये टॉपिक भी आपका एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट होता है तो आपको इसको भी अच्छे से पढ़ना है, इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ना है, इसमें जो ड्रग के एग्ज़ाम्पल हैं उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है जिससे आप अपनी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और अच्छे से अपने नोट्स भी बना पाएंगे। देखिए जितना कंटेंट हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपका एग्ज़ाम पर्पज़ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तब आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे।
तो दोस्तों इसका क्लासिफिकेशन हमने लिखा हुआ है क्लास फर्स्ट ए, इसमें लिखा हुआ है इंक्रीज इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, जिसमें आपके ड्रग आती है क्यूनिडीन हो गया, प्रोकेनमाइड हो गया, डिसोपायरामाइड हो गया, ये आपकी क्लास फर्स्ट ए में आती हैं। और उसके बाद क्लास फर्स्ट बी में रीपोलराइजिंग, जिसमें आपकी आती है टोकेनिन और मैग्जिलेटिन, फिनाइटोइन, लिडोकेन, ये आपकी क्लास फर्स्ट बी में आती हैं ड्रग। और क्लास फर्स्ट सी में कौन कौन सी ड्रग आती हैं, डिक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी, जिसमें आपकी आती है ड्रग फ्लिकेनेनाइड, और उसके बाद इनकेडिनाइड, यानी जो आपकी फ्लिकेनाइड आती है ड्रग, और उसके बाद इनकेडिनाइड, ये आपकी आती हैं क्लास फर्स्ट सी में डिक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी में। और क्लास सेकेंड में आपकी कौन कौन सी ड्रग आती हैं, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर में एटीनोलॉल, प्रोपेनोलॉल ड्रग हो गई, मिटेप्रोलॉल और पिनोलॉल, ये आपके क्लास सेकेंड में ड्रग आती हैं। और क्लास थर्ड में इंक्रीज्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड, जिसको कहा जाता है बीटा, यानी जो आपकी पोटेशियम ब्लॉकर होती हैं ड्रग, यानी जो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करने का वर्क करती हैं, जिसमें एमियोडेरोन ड्रग आती है, सोटालॉल आती है और क्लोफिनियम आती है ड्रग इसके अंदर, क्लास थर्ड के अंदर। और क्लास फोर्थ वाला हो गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें एमलोडिपिन हो गई, डेल्टियाजेम हो गई, बीरापामिल, निफेडिपिन, ये आपके क्लास फोर में ड्रग आती हैं। तो दोस्तों ये आपका एंटी अरेथमिक का क्लासिफिकेशन हो गया। एंटी अरेथमिक क्या होता है उनको हमने बताया, अरेथमिया क्या होता है उसको हमने डिफाइन किया। तो दोस्तों आप अरेथमिया को पहले पढ़ेंगे कि अरेथमिया को डिफाइन, यानी अरेथमिया क्या होती है और एंटी अरेथमिक ड्रग क्या होती हैं, फिर उसके बाद आप इसको, यानी जो क्लासिफिकेशन है इसको आप क्लास वाइज याद कर लेंगे, यानी इसमें फोर्थ क्लास हैं, फोर्थ क्लास की जो भी ड्रग हैं आप अच्छे से याद कर लेंगे। फिर इसमें एग्जांपल दिए गए हैं, इसमें एग्जांपल कौन कौन से हैं, फिनाइटोइन सोडियम हो गया, प्रोपेनोलॉल हो गया, क्यूनिडीन सल्फाइड हो गया, बीरापामिल हो गया, लिडोकेन हो गया, तो ये इसके अंदर एग्जांपल हैं। तो दोस्तों आपने देखा जो प्रोपेनोलॉल ड्रग है ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या क्या एग्जांपल हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, फिनाइटोइन सोडियम, सबसे पहले फिनाइटोइन सोडियम के बारे में बात करेंगे, जो आपकी फिनाइटोइन सोडियम ड्रग होती है इसके बारे में बात करेंगे। फिनाइटोइन सोडियम का एक साल्ट होता है, यानी जो आपकी फिनाइटोइन सोडियम होती है ये सोडियम का एक साल्ट होता है, जो एंटी अरेथमिक एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी फिनाइटोइन सोडियम एंटी अरेथमिक एजेंट के रूप में यूज़ की जाती है। तो इसके स्ट्रक्चर को हमने बनाया है, देखिए इसमें हमने टू जो रिंग बनाई हुई हैं, तो दोस्तों ये आपकी सिक्स मेंबर्ड बेंजीन रिंग है, और उसके बाद जो आपकी एक रिंग बनाई हुई है ये आपकी फाइव मेंबर्ड रिंग है, जिसमें आपकी यानी टू नाइट्रोजन ग्रुप को ऐड किया है और एक नाइट्रोजन ग्रुप से हाइड्रोजन ग्रुप को हमने ऐड किया है, और डबल बॉन्ड के साथ इसमें टू ऑक्सीजन ग्रुप लगे हुए हैं, और साथ में इसमें आपको सोडियम को ऐड करना है, तब ये आपकी ड्रग बन जाएगी फिनाइटोइन सोडियम। और उसके बाद दोस्तों इसका हमने केमिकल नेम लिखा है, तो इसमें केमिकल नेम क्या लिखा हुआ है हमने, देखिए केमिकल नेम लिखा हुआ है सोडियम 5.5 डाइफिनाइल इमिडाजोलिडीन, और उसके बाद 3-2.4 डायोन, तो ये इसका हो गया केमिकल नेम। और ब्रांड नेम क्या लिखा है, डिलेंटिन और फिनाइटेक, ये इसके होते हैं ब्रांड नेम फिनाइटोइन सोडियम के। और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में क्या लिखा हुआ है, इंजेक्शन की फॉर्म में आती है, कैप्सूल की फॉर्म में भी ये जो आपकी फिनाइटोइन सोडियम आती है ये मार्केट के अंदर प्रेजेंट होती है। और स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, इसको वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करके रखना है, और रूम टेम्परेचर 20-25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी जब इस ड्रग को ऐड, यानी जहाँ भी स्टोर किया जाएगा वहाँ का टेम्परेचर 20-25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और उसके बाद थेरापेटिक यूजेस, यानी इसका यूज़ ट्रेकिकार्डिया को ट्रीट करने में किया जाता है, एंटी अरेथमिक ड्रग के रूप में किया जाता है, सबसे यानी इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है आपका एंटी अरेथमिक के रूप में इस ड्रग का यूज़ किया जाता है, अरेथमिया को ट्रीट करने में इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आपकी इसमें सेकेंड वाला एग्जाम्पल है लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड,
तो दोस्तों अगर आप इसका केमिकल स्ट्रक्चर नहीं भी बनाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपकी स्टार्क मार वाली ड्रग नहीं है, लेकिन ये आपकी इम्पॉर्टेंट ड्रग है, इसलिए हमने इसके स्ट्रक्चर को बनाया है, इसके केमिकल नेम को भी हमने लिखा हुआ है। तो लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड क्या होती है, यानी यह एंटी एरिथमिक एजेंट होता है। इसका यूज़ लोकल एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है। जो आपकी लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड होती है, यानी ये आपके एंटी एरिथमिक ड्रग होती है और इसका यूज़ लोकल एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है। और इसके स्ट्रक्चर को हमने बनाया है, आप इसके स्ट्रक्चर को अपनी कॉपी पर ड्रॉ करके देख सकते हैं। और केमिकल नेम लिखा हुआ है 2-diethylamino एंड 2,6-dimethylphenyl और एसीटामाइड, ये इसका हो गया यानी केमिकल नेम। और ब्रांड नेम क्या लिखा हुआ है, कैंडिड ओ लिखा हुआ है, एस्थीसिया लिखा हुआ है और हमने इसमें लिखा हुआ है कुटिकेन, ये इसके ब्रांड नेम होते हैं। जो आपकी लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड होती है, इसके ये ब्रांड नेम होते हैं। और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन जेल की फॉर्म में भी ये आती है, स्प्रे की फॉर्म में, क्रीम की फॉर्म में और सोल्यूशन और इंजेक्शन की फॉर्म में ये मार्केट के अंदर ड्रग आती है। और स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, यानी इसकी स्टेबिलिटी और स्टोरेज क्या है, इसको बेल क्लोज कंटेनर में स्टोर किया जाता है। और थेरापेटिक यूज़, इसका यूज़ एंटी एरिथमिक एजेंट के रूप में किया जाता है और लोकल एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है, यानी जो हमारे लोकल यानी पार्ट्स होते हैं उनको यानी सुन्न करने के लिए जिन ड्रग का यूज़ किया जाता है उनको लोकल एनेस्थेटिक कहा जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो आपकी लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड होती है, इसका यूज़ लोकल एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है, एंटी एरिथमिक एजेंट के रूप में भी इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों फिर बात करते हैं प्रोपेनोलॉल। प्रोपेनोलॉल को अभी हमने बताया है, यानी जो आपकी यानी एंटी हाइपरटेंसिव वाला टॉपिक को कंप्लीट किया है उसमें हमने प्रोपेनोलॉल ड्रग को बताया है। वही ड्रग को हमने फिर से यानी पीडीएफ में लगाया हुआ है, क्योंकि आपका एंटी एरिथमिक के अंदर ये एग्जांपल दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको हम बता रहे हैं कि आप जो प्रोपेनोलॉल ड्रग है इसको भी आप उसी तरीके से लिखेंगे जो आपने एंटी हाइपरटेंसिव वाले टॉपिक में लिखी हुई है, क्योंकि एक ड्रग अगर आप पढ़ते हैं प्रोपेनोलॉल, ये ड्रग आपकी कई टॉपिक्स में मिलेगी, तो आप उसमें इसको डिफाइन कर पाएंगे। जैसे आपका एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट में भी ये ड्रग मिलेगी, एंटी हाइपरटेंसिव में भी मिलेगी, एंटी एरिथमिक में भी मिलेगी। तो दोस्तों बार बार इसी ड्रग को अगर पढ़ाएंगे तो इससे जो है दोस्तों यानी हमको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी जिसके बाद अपलोड में बहुत दिक्कत होती है। तो दोस्तों इस ड्रग को आप उसी तरीके से आप पढ़ लीजिए जो हमने अभी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में पढ़ाया हुआ है। प्रोपेनोलॉल ड्रग को अच्छे से तैयार कर लेना है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा हम बता रहे हैं, एंटी जो आपकी प्रोपेनोलॉल होती है एंटी हाइपरटेंसिव क्लास के ड्रग होती है, और उसके बाद दोस्तों एरिथमिया को भी ट्रीट करने में इसका यूज़ किया जाता है, बीटा ब्लॉकर क्लास के ड्रग होती है। और केमिकल स्ट्रक्चर इसका बनाया हुआ है, केमिकल नेम लिखा हुआ है, ब्रांड नेम लिखे हुए हैं, उसी तरीके से सब लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो दोस्तों आपका चैप्टर नंबर जो 7 है ये पूरा कंप्लीट होता है एक ही वीडियो में। अगर इतना कंटेंट अगर आप पढ़ते हैं तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा, और इतना सफिशिएंट थ्योरी है डीफॉर्म फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।